हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीमाज किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज तवा बर्गर रेसिपी। आप इस रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मैं बर्गर 8 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसलिए मैंने मसाला ज़्यादा लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए 2 प्याज बारीक कटा हुआ, आधा इंच अदरक का कुटा हुआ, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई, 1 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 50 ग्राम हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 100 ग्राम पत्ता गोभी बारीक कटा हुआ और 4 बड़े उबले आलू मैश किए हुए। कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख लिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच तेल ऐड किया है और इसमें जीरा 1 चम्मच जीरा चटकने के लिए डाल दिया है। जीरा चटक गया है, अब इसमें हम लहसुन और अदरक ऐड कर लेंगे, उसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये गोल्डन हो चुका है, अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को हम आधा मिनट तक ही पकाएंगे, इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें पत्ता गोभी ऐड कर लेंगे। अब इसे हम लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। ये पक चुका है, अब इसमें हम टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। ये हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे और 2 चम्मच पाव भाजी मसाला ऐड कर लेंगे और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये हमने अच्छे से पका लिया है, अब इसमें हम नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मैश किया हुआ आलू ऐड कर लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। और इसमें हम एक चीज स्लाइस ऐड कर लेंगे, यह ऑप्शनल है, आप इसे चाहे तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 1 टुकड़ा बटर का ऐड कर लेंगे। हमने इसमें बटर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। अब इसमें हम ग्रीन धनिया ऐड कर लेंगे, आप इसे कढ़ाई में भी ऐड कर सकते हैं, हमने इसे नीचे उतार के ही ऐड किया है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमने गैस में तवा गरम करने के लिए रख लिया है, ये गरम हो चुका है। इसमें हमने 1 टुकड़ा बटर का ऐड कर लिया है, उस बंद को हम दोनों तरफ से सेक लेंगे और उसमें मसाला फिल कर लेंगे और चॉप किया हुआ प्याज अब इसमें हम ऐड कर लेंगे। इसके लिए हम सॉस लेंगे, टमाटर सॉस 2 चम्मच, मेयोनी 1 चम्मच, अगर आपको मेयोनी ज़्यादा पसंद है तो आप 2 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम छोटा एक चीज़ का स्लाइस रख लेंगे और दूसरा बंद ऊपर से रख लेंगे। अब इसे हम दोनों साइड से 2 फ्लेम में सेक लेंगे। ऐसे सेक के जो हमारा चीज स्लाइस है वो पिघलेगा। ये हमने दोनों साइड से सेक लिया। मुझे ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए इसलिए मैं इसको ज़्यादा सेक रही हूँ, आप इसे कम भी सेक सकते हैं।
ये देखिए हमारा बर्गर बनकर तैयार हो चुका है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपके बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा, तो आप इसे जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, इसे एंजॉय करें। थैंक यू।